नमस्कार, एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और नए मित्रों, आज पसीना हो रहा है तो ये पूर्वा हवा बह रहा है तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। आज एक नए ब्लॉग में आपको ऐसी चीज़ को दिखाएंगे जो शायद ही आप देखे होंगे। गांव ग्राम में पूर्वांचल में ज़्यादातर होता रहता है, काशीदास जी का पूजा है, यानी करहा जो पूर्वांचल में कहा जाता है उसको दिखाएंगे। आप देखेंगे कैसे जलती हुई खीर से लोग नहाते हैं, ये नज़ारा कैसा लगेगा आपको देखने में मज़ा आएगा। आपको भी ले चलेंगे क्योंकि मैं अभी घर पे तैयार हो चुका हूँ। मैं रेडी होके जहाँ करहा का प्रोग्राम यानी कालिदास जी का पूजा है वहाँ भी चलेंगे, कुछ देर में पहुँचेंगे। तो जब स्टार्ट हो जाएगा कालिदास का पूजा तो आपको दिखाएंगे कैसे होता है, कैसे कैसे उस पूजा किया जाता है। और साथ में मेरा भतीजा ये भी तैयार हो गया, ये भी जा रहा है वहीं, क्योंकि बहुत खास जगह पे जो है ये प्रोग्राम हो रहा है जो उनके यहाँ जा रहे हैं। तो आगे चलेंगे और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी ब्लॉग में आप एक अलग ही चीज़ देखेंगे। पूरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आप मस्त रहिए इसी तरह और इन्जॉयमेंट करिए। अभी पूजा का जो तैयारी हो रहा है, देख रहे हैं किस तरह से सजाया गया है और जगह जगह जो मंडप लगा है, ये देखिए खाली जो है बाटली रखी हुई है जिसको पत्की कहते हैं, ये सब खाली रखी है। धीरे धीरे इसमें दूध और चावल पड़ेगा और ये सामने जो देख रहे हैं गुड़ चावल और चना है, आपको अलग से फिर दिखाएंगे। ये जो है पौहारी, ये पूजा कराने वाले बैठे हुए हाथ रखकर जो देख रहे हैं यही पूजा कराएंगे। जितने देर तक ये घेरा गया है, ये पानी रखा गया है इनको नहाने के लिए, जो इससे नहाएंगे जब समय समय पे नहाते रहेंगे। और देखिए ये माला रखा गया जो सब इनको पहनाए और इनको भी पहनाया जाएगा। और साथ में देखिए चना, ये चावल रखा है, गुड़ रखा है, सब मिक्स करके सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। ये तैयारी चल रही है, अपना शर्ट उतार दिए हैं पवारी जी और देखिए अब ये धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे हैं, धार देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार नहा भी चुके हैं, अब भीग चुके हैं, अब जा रहे हैं जल देने, सूर्य देवता को जल देंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया अपनी स्टार्ट कर लेंगे जो पूजा कराने के लिए। ये जो है अग्नि देंगे, जो है जो भी चावल खीर और सब कुछ डालना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो है अग्नि देंगे। इसके बाद जो उसमें ला के दूध डालेंगे, अभी पूजा कर रहे हैं, धीरे धीरे पूजा कर रहे हैं। हर जो बना हुआ है तरह चौरा बना हुआ है गोहरे का, उसके ऊपर तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद आगे तैयार होगा। देखिए एक झंडा लेकर तो तैयारी लगाएंगे, अभी जो है उसको वहीं चौकी के पास में बढ़वाएंगे जो पूजा का एक हिस्सा है। और इसके आगे प्रक्रिया बढ़ रही है, अब ला रहे हैं लोग, देखिए अब लगाएंगे। अब पौहारी बाबा साथ में जो है ये खंभे से टच करा के पूजा कराने के लिए इसको खड़ा करा देंगे वहीं जो है चल रहे। अब जो है कई में देखिए आगे लगाने जा रहे हैं, अब पूजा कर रहे हैं अग्नि देवता का, जो पूजा करके अब आगे लगा दिए हैं सब में दूध चावल धीरे धीरे अब सब डाल चुके हैं, देख रहे हैं। ये अभी तक वैसे अभी तक इसमें सब में दूध पड़ा है, अब इसमें भी दूध डाल रहे हैं। इसके बाद अब चावल आ रहा है, चावल पड़ेगा क्योंकि अभी जब दूध पड़ने के बाद धीरे धीरे आग चलती रहेगी और चावल इसे डालेंगे, फिर कैसे हाथ से डुलाएंगे ये भी देखा जाएगा। नहाने की प्रक्रिया भी होती है, देखिए बाबा जी कितना कराते हैं। वैसे मुझे विश्वास है, मैं तो ज़्यादातर देखा हूँ इसकी जलती खीर से नहाते हुए, लेकिन यहाँ बाबा करते हैं कि नहीं करते हैं ये अब देखना होगा। इस वीडियो में लास्ट तक अगर देखेंगे तभी पता चल पाएगा कि बाबा नहा रहे हैं कि नहीं, गर्म दूध से नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, कि सिर्फ हाथ से जो है गर्म दूध को जो है सिर्फ छुएंगे, ये अभी देखने पर ही पता चलेगा। अभी इस समय तो सिर्फ डाल रहे हैं, डालने वाली प्रक्रिया चल रही है, अब सब में जो है धीरे धीरे डाल चुके हैं, आखिरी में जो है दूध में डाल रहे हैं। और ये देखिए प्रक्रिया चालू हो गई, धीरे धीरे हल्का हल्का आग को अग्नि देवता को दूध चढ़ा रहे हैं। ये प्रक्रियाएँ होती है इस पूजा का, इसका सब पूजा देखिए हाथी से जो है इसको चलाएंगे, हल्का हल्का जो भी चला रहे हैं चावल को हाथी से चला रहे हैं। अभी तो कम गर्म है लेकिन जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तभी चलाएंगे हाथी से। देखिए अब फिर प्रक्रिया में चल रही है, थोड़ा गर्म भी हो गया तो भी हाथ डाल के चला रहे हैं। किस तरह से पूजा कुछ भाई कुछ होता है जो है कि ऊपरी शक्ति देवी शक्ति जिसे कहते हैं, और ये लोग घर के लोग जो है पूजा पाठ में बैठे हुए, पंडित जी बैठे हुए साथ में करके सदस्य लोग बैठ के हवन कर रहे हैं। और देखने वाली संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, देखने वाले जो बढ़ रहे हैं देखिए सामने।
काम करते हैं ऑनलाइन का, और इन्हीं के घर पर सब प्रोग्राम है। और ये देखिए अब दादू बाबा जो हैं पोहारी बाबा आगे आगे प्रोसेस में सब कुछ प्रक्रियाएँ कर रहे हैं। यहाँ पूजा पाठ चल ही रहा है, अभी ठंडे पानी देखे ना आ रहे हैं, लेकिन अब इंतजार है इनका कि गर्म पानी से कब ना आए। और ये चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये भी जो है साथ साथ चल रहा है। और ये गर्म का ये जो इसमें गर्म देसी घी रखा गया है, इससे लोग जो है आटा सानी गूथेंगे, गूथने के बाद जो इसमें छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे, जिसको ये प्रसाद के रूप में पवारी बाबा सबको देते हैं। और यह आप गर्म घी में जो है अपने हाथ से पूड़ी को निकाल देते हैं। ये लोगों के पास दैवी शक्ति है, या जो भी कहा जाए, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन गजब का सिस्टम है। यह जलते हुए तेल में जो है घी में जो है हाथ डाल के उसी तरह से निकाल निकाल के देते रहते हैं। प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया है पूजा पाठ का। और यहाँ लोग बैठ के हवन कर रहे हैं, देखिए जलती हुई आग को लेके कैसे हैं बाबा, ये भी क्षमता ही यह कैसे करते हैं उन्हीं से पूछने के बाद पता चल सकता है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से पूजा हो रहा था, अभी आगे और दिखाएंगे। दूध से नहाने वाली दीवारी आएगी, खीर जो बन रहा है अभी वो उससे नहाएंगे। अभी तो जल पानी सादा पानी से नहा रहे थे, और प्रक्रिया क्या क्या होता है उसको दिखाया, लेकिन अब गर्म जो जलती हुई खीर है उससे नहाएंगे, उसको दिखाएंगे आपको। पगड़ी देख के आपको हंसी आ रही होगी मेरी, लेकिन क्या करें, कुछ काम ऐसा है कि अब यहाँ धूप भी है, साथ में जो है पगड़ी बांध के काम भी कर रहे हैं, तो काम भी करना जरूरी है, साथ साथ दोनों काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाया भी जाएगा। तो चलिए आगे फिर ब्लॉग में बने रहते हैं, फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से नहा रहे हैं गर्म खीर से। यह इसी तरह का नगाड़ा बजता है, और जो भी इसके साथ और भी यंत्र बज रहे हैं इसी तरह बजता रहता है। और बाबा देखिए धीरे धीरे पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। और अगर ताई जो है ज़्यादा जिसको जिस पर रखा गया उसको ताई भी बोलते हैं, अगर इस तरह से आगे जो बढ़ता है ऊपर उठा लेता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाता है। देखिए देख रहे हैं आप, भीड़ धीरे धीरे एक साइड का भीड़ है, इसी तरह से लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर टेबल पे खड़ा है, और साइड में देखिए महिलाएं दिख रही हैं वहाँ बैठी हुई है। ये देखिए आग जो उबाल ले रहा है फिर उसको रोकने के प्रयास किया जा रहा है। ये कला है लोगों का, जिस तरह से समझा जाए वो इससे रुकते हैं और अग्नि देवता को प्रवाहित करते हैं, बुलाते हैं और उसको साफ करते हैं। बार बार जो है देख रहे हैं आप चल नहीं रही, अभी एक ही ताई चल रही। ये एक मंत्र होता है, क्या होता है मान देते हैं, क्या होता है ये तो कहा नहीं जाता, लेकिन जब वो शांत हो जाएगा तभी दूसरा चलेगा, ये गजब की बात होती है। देखिए धीरे धीरे उसको शांत करने की प्रक्रियाएं चल रही है, और इसको जो है शांत होने के बाद ही दूसरी ताई दूसरी जो खेल रखी हुई चलेगी। ये अभी एक कलाई है जिसको हम देखते हैं और इस तरह से रोक रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए बाबा एक पैर पर खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, इस तरह से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और जो उफान ले रहा था वो अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, रुक रहा है। फिर अगली ताई जो चलेगी उसको जो है यह चलाएंगे, तो देखिए अभी इस तरह से कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कदम बांधती है कि ज़्यादा प्रभावित नहीं। अब देखिए गर्म खीर को निकाल के हाथ से, जो गर्म गर्म खीर को हाथ से निकाल के अपने लट्ठे में लगा रहे हैं, ये भी एक बात है। अब यही प्रक्रिया चलेगी कि नहाएंगे भी, देखिए अभी आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और एक साथी सहयोगी जो है धीरे धीरे आग रख रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से उस उफान को रोकने के लिए बार बार जो है अग्नि देवता को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पैर देखा होकर रुक रहे हैं, यही करेंगे पैर छूए कर देंगे, और कब इसको निकालते हैं क्या करते हैं ये देखने को आगे मिलेगा। देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं वो अपने डंडे से निकाल निकाल के, बार बार देखिए गर्मा गर्म जो खीर निकाल के अपने डंडे में पोत रहे हैं, बार बार जो लठ लिए हैं साथ में, और चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं जिसको आप लोग सुन भी सकते हैं, क्या क्या उपदेश भी दे रहे हैं कि क्या हो रहा है इस समय, और उसका सभी लोग भोग डल पाते हैं, सब बता रहे हैं। आगे देखिए कुछ शांत रहे भी आप लोग जो देख सकते हैं, मैं इसको देर तक नहीं बोलता हूँ, देखिए किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, कुछ देर तक नहीं बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बज रहा है, ये भी आपको पता चलेगा ही। चंद्र
खीर को निकाल कर उसके डंडे पर लट कर लगा रहे हैं, साथ में अपने शरीर में लगा रहे हैं। लेकिन ये देखिए ठंडे पानी से नहा रहे हैं। मुझे आशा था कि गर्म खीर से ही नहाएंगे, लेकिन बाबा बस सिर्फ हाथ डाल डाल के निकाल रहे हैं, पोत रहे हैं और जो इसको अपने शरीर पर लगा रहे हैं, यही प्रोसेस कर रहे हैं। हमको लगता है कि बाबा जो है इसको, बाबा इससे नहाएंगे नहीं, क्योंकि और भी लोग जो फुवारे पूजा कर रहे हैं वो नहाते हैं, लेकिन बाबा बार बार हाथ डाल के निकाल रहे हैं और गर्म गर्म फिर अपने लट लगा रहे हैं और शरीर पर लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसी तरह से जो है सिर्फ नहाते रहेंगे। और देखिए बाबा गर्म ताई से निकाल निकाल के जो घी था उसमें से पूरी निकाले थे, प्रसाद के रूप में लोग महिलाएँ बैठ के ले रही हैं, उसको ये अपने हाथों से दे रहे हैं। ये प्रसादी सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमको मिले वो अचरा फैला के बैठे रहते हैं, उस तरह से देते हैं हाथ में और अचरा में देते हैं बाबा। देखिए गर्म की कैसे गर्म जो है घी की जो पाटली थी उसमें से निकाल के हाथ से रहे थे जलता हुआ। इसी तरह से पूरी निकालते रहते हैं, ये भी खीर भी निकाल रहे हैं, पूरी भी है उसी हाथ से निकाल रहे हैं बिना कुछ किए। ये दैवी क्रिया क्या है, देखिए सभी लोगों को जो भी मांग रहे हैं उसको आपको दे रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और पूजा आखिरी स्टेज पे भी चल रहा है, धीरे धीरे अब लास्ट होगा। देखिए ये आंधी और बारिश का मौसम आ गया, बहुत तेज़ आंधी और बारिश होने की नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। किस तरह से तेज़ हवा रहा, सब लोग अब इधर उधर अफरा तफरी मच गई है, आगे सामने देख भी रहे हैं, बारिश का माहौल नज़र आ रहा है। हाँ कुछ देर में बारिश आने वाली लग रहा है और हवाएँ बहुत तेज़ चल रही, तो अब सब प्रोसेस जो किया जा रहा है जल्दी जल्दी किसी तरह से इस पूजा को जो है सम्पन्न करा लिया जाए और आगे का माहौल भी इस तरह से रहेगा बारिश जैसा लग रहा है, क्योंकि सामने आगे दिख रहा था कि बारिश का माहौल दिख रहा है, बारिश होगा ही। तो अब बहुत तेज़ी से जो है प्रसाद को मिलाया जा रहा है और जो है सब लोग जो है इसकी आगे की प्रोसेस की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए खीर को लेके भाग भी जाते हैं, इस समय भागने वाले भी प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है, जो प्रसाद होता है उसको लेके भागते भी बहुत तेज़ी से हैं, तो लोग लेके भाग भी गए हैं। और आगे अब जो चना गुड़ और चावल है उसको मिलाया जाएगा, उस प्रसाद को सबको बांटा जाएगा, उस बांटने वाली प्रोसेस होगी, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए हल्की हल्की बारिश बूंदे हो भी रही है क्योंकि सब लोग इधर उधर जो है फैल फैल के बैठे, लेकिन नॉर्मल अभी बारिश हो रही है, लेकिन माहौल बहुत गर्म है, बारिश बहुत ज़बरदस्त होगी उम्मीद किया जा रहा है और शायद होगा भी, क्योंकि माहौल सामने से नज़र भी आ रहा है कि इसी तरह से बारिश बहुत तेज़ होने वाली ही है। आशीर्वाद भी दे रहे हैं और इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं और बारिश का नज़ारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो माहौल दिख रहा है बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश भी उसी स्पीड में होने वाली है। तो इस समय अफरा तफरा मिला देख रहे हैं, आगे सामने आ भी रही है बारिश और ये प्रसाद सबको बांटा जा रहा है, और प्रसाद बांटने के बाद ही जो प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी हम लास्ट कर लेंगे, क्योंकि अब जो है हम दोबारा कुछ विशेष दिखा नहीं पाएंगे और बारिश हुआ मौसम अगर रहेगा तो कुछ नज़र आ सकता है तो दिखा सकते हैं। ये देखिए बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद ये दृश्य छोटा सा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ ब्लॉग को अंत करते हैं, बाय बाय।